गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लाए हैं चिकन शाही चीज़ रोल्स की रेसिपी, जो कि अक्सर शादियों में मिलता है स्टार्टर्स में। और आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा चाहते हैं कि आराम से घर बैठे भी इन्हें बना के इंजॉय कर सके। इनका टेस्ट इतना ज़्यादा यम्मी और माउथ वाटरिंग होता है कि अगर आपके घर वाले एक बार खा लेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। तो हमारी इस रेसिपी को आप फॉलो करते हुए घर पर बना के स्टार्टर्स में इंजॉय करें। सबसे पहले आधा किलो चिकन को अच्छे से क्लीन करके वॉश करके ले लेना है और बोनलेस ही लेना है। हो सके तो आप थाई का चिकन ले लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें जाने वाले हैं, आप नोट कर लें। मैंने यहाँ पे क्या क्या ले लिया, हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर, 2 ग्रीन चिली सीड्स रिमूव करके ले लिए हैं, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून फुल भर के ले लिया है। और यहाँ पे बटर की जगह पे मैं प्योर घी यूज़ कर रही हूँ, वो भी 2 टीस्पून फुल। और साथ में मैं चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, चैट मसाला, ज़ीरा, इन चारों को मैंने इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है, यानी 1 टीस्पून जितना। और साथ में सॉल्ट भी मैंने 1 टीस्पून ही लिया है, आप अपने हिसाब से ले लेना। अब इन सारे मसालों को ग्राइंडर जार में डाल देंगे। और ये जो चिकन है इसको 2 से 3 बैचेस में करके मैं ले रही हूँ। अगर आप अपने मिक्सर के हिसाब से आप चाहो तो चिकन के पीसेस को बारीक काट के भी डाल सकते हो। तो ये सब मिला के इसको ग्राइंड कर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया है हाफ पोर्शन, तो इसको निकाल देंगे और बचा हुआ चिकन भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हो इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। तो मैं पूरा निकाल के अभी ये भी मिला के ग्राइंड कर लूँगी। और इसमें ऐड करेंगे 2 सैंडविच ब्रेड स्लाइसेस, ये इनकी साइज़ जो है बड़ी होती है सैंडविच ब्रेड की। अगर आप नॉर्मल ले रहे हैं तो 3 से 4 भी डाल सकते हो। ये डालने से खीमे की क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और खाने में बहुत सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाला इनका टेस्ट होता है। ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो अभी इन सबको मिला के एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले एक साथ मिल जाएँ। और जब तक मैं इनको अच्छे से मिक्स करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए आप अपने मोबाइल के बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सके। मैंने यहाँ पे पॉलीथीन बैग ले ली है, इसको ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप इसकी जगह पर जेलेटिन पेपर का यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको कन्वीनियंट हो जाएगा। तो इस तरह की टिक्की की शेप बना के इसके बीच में रख देंगे और ऊपर से इस तरह से कवर करके फैलाते जाएंगे, यानी इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से स्प्रेड कर लेना है। इस तरह से कवर किए बिना आप बिल्कुल भी इसको स्प्रेड भी नहीं कर सकते हो, ना ही बेलन से बेल सकते हो, इसलिए बस यही ट्रिक है इसको बनाने की। जब ये अच्छे से राउंड शेप में आ जाए तो इसके ऊपर चीज़ स्लाइस रख देंगे और मेजर कर लेंगे। यहाँ पे चीज़ स्लाइस की साइड्स जो हैं बाहर निकलने लगी हैं, तो और थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं। इस तरह से चीज़ की स्लाइस जो है बिल्कुल साइड्स के अंदर होनी चाहिए और दोनों साइड से इस तरह से पॉलीथीन बैग पकड़ के फोल्ड कर लेंगे, ताकि चीज़ की साइड्स जो हैं अच्छे से कवर हो जाए और बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और इस तरह से ही पॉलीथीन की हेल्प से इसको फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया रोल बन गया है, वो भी बिल्कुल ईजी वे में। तो इसी तरह से आपको बना लेना है। तो ये आप देख सकते हो मैंने सारे के सारे रोल्स जो हैं तैयार कर लिए हैं इतने इजी और सिंपल वे में। और ये सब मैंने ले लिया यहाँ पे 2 eggs में, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, यानी कि दोनों को 2 pinches जितना ऐड करना है और अच्छे से बीट कर लेना है। और साथ ही साथ मैंने 4 से 5 ब्रेड के स्लाइसेस को मिक्सर जार में ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स भी बना के तैयार कर लिए हैं। अभी इन रोल्स को एक एक करके इस तरह से अंडे के अंदर अच्छे से डिप करके कोट कर लेंगे और ब्रेड क्रम्स में रख के इस तरह से अच्छे से चारों साइड से कोटिंग कर लेंगे ब्रेड क्रम्स की। इस तरह से अच्छे से ब्रेड क्रम्स से कोटिंग हो जानी चाहिए, कहीं भी जगह बाकी ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद अगर आप चाहो तो इन्हें रख के भी आराम से 15 डेज तक यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको 5 to 6 hours के लिए फ्रिज में इनको रख देना है, फिर ज़िपलॉक बैग्स में या फिर एयरटाइट कंटेनर में रख के इसको आप फ्रीज़र में रख दें। और जब भी आपका मन करे, इवनिंग स्नैक्स में हो या कभी भी स्टार्टर में हो, जैसे चाहे आप इनको इंजॉय कर सकते हो। तो ऐसे ही सबकी कोटिंग कर लेंगे। ये देख सकते हो सारे के सारे रेडी हो गए हैं, इस तरह से ब्रेड क्रम्स से कोट भी हो गए हैं। तो चलिए इन्हें कैसे फ्राई करना है दिखाते हैं। कढ़ाई में मैंने कुछ इतना ऑयल गर्म कर लिया है और अभी इसमें एक एक करके चिकन रोल को रखते जाएंगे। याद रहे आपको एक साथ ज़्यादा नहीं रखना है। मैं यहाँ पे 4 रख के फ्राई कर लूँगी, आप अपनी कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से रख सकते हो।
और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि जैसे ही हम रोल रखेंगे तो 2 मिनट्स तक बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जैसे ही एक साइड से गोल्डन कलर हो जाए फिर आराम से इस तरह से आप इनको रोल करते हुए टर्न करते हुए फ्राई होने दें। तो एक साइड से मैंने 2 मिनट्स के लिए फ्राई किया, फिर टर्न करके दूसरी साइड से फ्राई किया, फिर आराम से चारों साइड से इस तरह से फ्राई कर लेना है। ये आप देख रहे हो थोड़ा सा चीज़ जो है बाहर निकलना शुरू हो गया है, इसलिए आप केयरफुली इसको टर्न करें। थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे तो चीज़ पूरा लीक हो जाएगा और जल जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा खाने में। वैसे हमारे शाही चीज़ रोल तो काफ़ी बढ़िया बने हैं, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आया है इनका। अभी इनको आराम से इस तरह से निकाल लेंगे और सारे के सारे सेम मेथड से जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही फ्राई कर लूँगी और आपको इनका फाइनल लुक बताती हूं। इस तरह से आप सारा ऑयल जो है एक्सेस ऑयल निकाल लें और आप देख सकते हो कितना प्यारा इनका लुक आया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारे चिकन शाही रोल्स कितने बढ़िया बनके तैयार हुए हैं। इनका टेस्ट इतना ज़्यादा यम्मी सुपर टेस्टी बना है कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी गाइस जस्ट ट्राई वंस एट होम, देन आपको पता चलेगा ये कितने ज़्यादा डिलीशियस और यम बने हैं। सो जब तक हमारी अगली वीडियो अपलोड होती है आप इनको बना के इंजॉय करें। सो टिल देन टेक गुड केयर, बी हैप्पी, अल्लाह हाफिज़।